नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। जहां स्वास्थ्य को लेकर सरकार अब बेहद गंभीर नजर आ रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में ठोस कदम उठा रही है। बीते दिनों गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के बाद सरकार काफ़ी चौकन्ना है। वहीं उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच में जिला चिकित्सालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आवारा सुअरों का जिला चिकित्सालय में जमावड़ा रहता है। वर्तमान में के बाद भी इसकी स्थिति बनी हुई है, जिससे अस्पताल में मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और स्वाइन फ्लू जैसी भयंकर बीमारी चल रही है। ऐसे में जिला चिकित्सालय में इस तरह फैली हुई गंदगी मरीजों का स्वस्थ करने के बजाय उल्टे मरीजों को बीमारियों की ओर धकेल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी क्या क्या कदम उठाएंगे, जिससे सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दोबारा सरकार पर उंगली ना उठे। आपको बता दें कि दो मंत्रियों वाला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच का जिला चिकित्सालय गंदगी की भरमभार झेल रहा है। सरकार के तमाम दावे जिले में बैठे अधिकारियों की वजह से फेल होते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जिला चिकित्सालय में आवासीय कॉलोनी भी, जिसमें रहने वाले चिकित्सालय के कर्मचारी ही पीड़ित हैं गंदगी की समस्या से। चिकित्सालय के निवासी को अब स्वाइन फ्लू जैसी भयंकर बीमारी का खतरा सताने लगा है। उन्होंने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन इस पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ। अब देखने की बात होगी कि क्या योगी सरकार, जो कि स्वच्छता को लेकर काफ़ी गंभीर है और अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, जिससे कि सरकार पर स्वच्छता को लेकर कोई सवालिया निशान लगे। इस समय स्वाइन फ्लू जो चल रहा है और इस तरह से गंदगी आप लोगों के घरों के पास है, इससे आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। अभी तो हम लोग परेशान है कि स्वाइन फ्लू इतनी महामारी बीमारी फैली हुई है। क्या इस संबंध में आपने सीएमओ से इसकी शिकायत की? नहीं, उनसे शिकायत नहीं किया गया। यहाँ के जो कूड़ा प्रबंधन जो आते हैं, जो सफाई करवाते हैं, उनसे मैंने कई बार कहा कि भैया इसको कूड़ा को ढेर कहीं अलग करवा दीजिए, क्योंकि इस समय बीमारी बरसात चुकी है और ये सुअर भी बहुत गंदगी फैला रहे हैं। इनको हटवा करके ज़्यादा सुअर को हटवाया जाए, यहाँ से इनको अलग करवाया जाए, पकड़वाया जाए, वो कोई कार्रवाई करते नहीं है।